हेलो गाइस, तो नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सभी को रोम रोम, जय बाबा की। तो कैसे हो गाइस, सब बढ़िया होगे? मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, रात के बज रहे हैं भैया, कितने बज रहे हैं दिखाता हूँ थोड़ा टाइम। रात के बज रहे हैं 12:19। और गाइस, अब खाएंगे भैया रोटी। अभी नूना छोड़ गए हैं, नूना भी उठी, सो गए, सो गई हूँ। मैं जिम गया 6 बजे, 6-7 बजे, तो जबकि सोई तो अब उठी है, तो अब उसे छोड़ गए हैं। और निशी को गई, पता ना बाहर गई है, भी आ रही है। तो निशी अभी जा रही है गाइस फौज पे, फौज की ड्यूटी लग गई है उसकी। तो अभी दिखाता हूँ मैं, आ जाएगी तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बाबा की। गाइस बाल बढ़ गए यार बहुत, और बाल मेरे टूट बहुत रहे हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जाओ पर। तो गाइस, निशी चढ़ गई है बॉर्डर पे, दिखा देता हूँ। तो मैं रसोई पे चढ़ गई आपने मेरे वाले बनवाए बॉर्डर पे, रसोई बनवाई है गाइस। सही में मतलब अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 होने वाले। टाइम आप लोगों को बता दिया मैंने, 12:20। 21 मतलब इस टाइम पे यहाँ रोटी बनाना ना, मुझे ऐसे लग रहा है शिमला में खड़ी हुई। और एक तो खुला है, और आपको पता है हम गांव में रहते हैं, तो यहाँ सारे में इस साइड हमारे जमुना है, खेत है, तो एकदम जाड़ा हो रहा है। कति गाइस हम तो जाड़ा खा रहे हैं। इस टाइम पे रोटी बना लो ना, बस बना लिया वो लगा दूंगा हीटर ना। हाँ ऐसे तो ना, और ऐसे करके कान ढक रखी है मैंने। तो चलो गाइस, अब रोटी वोटी बनाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर दिखाते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। सोच के कौन से जन्म का बदला निकलवाया मेरे मारे। करवाऊंगा यार, जल्दी कवर करवाऊंगा, अभी थोड़ी पता है दिक्कत है। हमारे दिमाग में पहले नहीं आया, जो हमारा गाजियाबाद वाला फ्लैट था ना, वो अपने आप पार्सल गिर रही है। ओम जय जय पूरा जय कपीत उत लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुख धामा, जय हनुमान ज्ञानु निसागर। तूने गा दिया, तू रोटी बना के दिखा, मैं तुझे मार जाऊंगी। आज एक ट्राई हो जाए सब्जी का बनाई, आपकी फेवरेट ये आलू मटर गाजर। मम्मी को तो यही सब्जी अच्छी लगती है बस भाई। प्रोटीन कितना राजी हो ना 12,000 रुपए की चीज लेके। तू सब्जी हमारी दुनिया है तुम्हारी, कभी तुम्हारी गाड़ी दुनिया हो जाती है, अब तुम्हारा प्रोटीन दुनिया हो गया। आजकल जिम तो ज्यादा गौर दे रहा हूं तो यही है बस। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पम्मी प्रेरणा ब्लॉग। कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी हो रही है दोपहर, मेरी शक्ल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि नहाई नहीं हूँ, अब बस नहाने जाने वाली हूँ। पम्मी घर पे नहीं है, वो गए हुए थे किसी काम से, अपना बैंक वैंक गए हुए हैं। सो आज ना हमने बनाया है बहुत कुकर भर के पुलाव, क्योंकि वशु और मुझे दोनों को ही पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ, हम धूप में बैठ के खा रहे हैं, इतनी धूप लग रही है तुझे। सो गाइस ये देखो, जग्गा जग्गा कह रही हूँ, जग भर के, तो गरम गरम खा क्यों रही है, जग भर के चाय और प्लेट भर के राइस, वेरी टेस्टी। आ जाओ गाइस खा लो, मैं की दूंगी अपने चावल देते हैं गाइस को मैंने। और धूप इतनी कैड़ी हो रही है, और जबकि ये कुकर भर के बनवाया बड़ा वाला, छोटे में बना रही थी, नीचे से बड़ा कुकर मंगवाया, बस बड़ा कुकर है नहीं, अभी लेके आएंगे और बहुत टेस्टी बनेगा इस सच में। आपको दिख ही रही है, पम्मी आएंगे तो उनके लिए दोबारा बनाऊंगी गरम गरम, या फिर नहीं गरम कर दूंगी। तो गाइस पम्मी भाई आ गए थे बैंक से, शाम हो गई है, निशी मामी बना रही है चाय पराठे। देखिए चाय पराठे वाले बेटा, चाय बेच बेच के दुनिया कौन सा कौन प्राइम मिनिस्टर है। मोदी मोदी चाय तो बेच रहा है ना, मोदी जी, तो हेलो गाइस, गाना बंद करो। तो गाइस हम निकल चुके हैं कमला नगर के लिए, और भैया मैंने आज ही अपनी ब्लैक वाली जैकेट पहनी है, नीचे ब्लैक जींस पहनी है, तो अपना तैयार होकर निकल चुके हैं। और निशी कर रही है शॉपिंग, शॉपिंग ये करनी है, कल हमें जाना है मुक्ति, जानते हो गए तुम हमारे रिश्तेदार, रिश्तेदार के फ्रेंड ही है, रिश्तेदार ही समझ लो अब तो, अच्छे फ्रेंड है, मतलब कि घर जैसी बात है। हाँ तो उनके मतलब कि कल बेबी शावर है, बेबी शावर है, तो वहाँ जाएंगे, तो उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट लेने जा रहे हैं, और नीचे चप्पल वप्पल भी लेनी है, तो चल रहे हैं। और अंशु कुछ बोलोगे घर,
तो वो लेना गया हुआ कमीज वमीज भूल गया, वहाँ लेना गया हुआ यूँ कर रहा चीज़ मुझे चेंज करनी है कमीज कमलानगर से। अगर चलता तू भी चल। तो चलो भाई मिलते हैं कमलानगर पहुँच के। जय बाबा की। तो गाइस हम आ चुके हैं कमलानगर और भैया ये रहे अपने काजू बादाम जो पैक करवाने हैं अभी, और निशी और वसु जा रहे हैं। अंशु ले रहे, तू क्या ले रहा है? अपने कपड़े लेने अंशु के साथ चेंज करा के, और यहाँ पे मैं करा रही हूँ कल जहाँ में फंक्शन में जाना है वहाँ के लिए पैक। इसमें ये सूट है और ड्राई फ्रूट, इससे पिन्नी चिपक रही है। हाँ ये पढ़ाई के लिए और कुछ समझ नहीं आया, ये समझ आया तो यही ले लिया। आप लोग बताना कैसे लग रहा है, अलग अलग लिया और फिर साथ में इसे ऐसे पैक करवा दिया, सुंदर लग रहा है ना। और ये और मैं यहाँ खड़े हैं, पन्नी और अंशु अपने कपड़े लेते हैं। हाँ देखो अंशु के कपड़े चेंज कराने गए थे और अपने लिए आए हैं ना। किसके है ये जैकेट? मैंने लिया तो बस ना। अरे देखो सही लग रहा है ना, देखो सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, देखो सही लग रहा है ना ये। मैंने एक सूट भी ले लिया पीछे शॉप से। तो गाइस सामान ले चुके हैं और भैया यू नोना बहुत पसंद कर रहे हैं गुड़िया के वाले ने, तो ये नोना के लिए लिए। और ये भैया पैकिंग करवा दी है और ये जैकेट ली है मैंने, ये अंशु के है। तो चलो गाइस चलते हैं और इनकी रील बनाएगी। क्या होगा? अच्छा तो गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ पे, मुझे ना अंडे ब्रेड खाने थे और ये हमें कमलानगर से यहाँ तक ले आए कि खिला रहा हूँ करते करते। हाँ ब्रेड भी देगा तो यहाँ तक ले आई हमें संगम विहार तक। अब अंडे ब्रेड दिया अंशु गया है लेने को। तीन अंडा और दो बड़े और खाने को खाई अभी वाला। इससे पहले का आप सीन देखते ना, जब इन्होंने हमारे अंडे ब्रेड बोले ये कह जा रहे और वो वहां से देख ही नहीं रहा भैया, फिर एकदम कह रहा हम यहाँ भी। एकदम बढ़िया था सीन था। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 10:00 9 बज के 21 मिनट हो रहे हैं। जाऊंगा मेरा तो मन कर रहा, चलो जाऊं मारियो मार देगा। अब तो 9:30 हो गए, 10:00 फिर इन्हीं कपड़ों में मारियो हमारे साथ वापिस। अब हमें छोड़ने जाओगे फिर आओगे तो 10 ही बज जाएंगे। तो गाइस भैया मैं आ गया हूँ घर और निशी चली गई है गुरुद्वारे, निशी और वसु मम्मी की गैल। निशी गैल लगी चलो मैं भी हो जाऊँ, मगर चल तू चली जाओ भैया, तो अब डार्क नहीं आ जाएगी फिर पुनी छोड़ जाएगा। वो अंशु वाली मोटरसाइकिल ले आया, मैं तो मोटरसाइकिल लेकर चला जाएगा और गाड़ी खड़ी करके चला जाएगा वो। तो चलो और गाइस कैसी लग रहा है, कैसा लग रहा है मैं कह रहा हूँ, कैसी जैकेट लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगेगी जैकेट वैसे यार, अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है इसका, और नीचे ब्लैक जीन्स पहन रहे हो ना, ब्लैक पे तो और भी अच्छी लगे। और एक और जैकेट अभी तो मेरा पहन ही ना है, अरे एक और नई ले आया मैं भी पड़ी नीचे नई वाली जैकेट, ये एक बार भी ना पहनी है। और एक और लेकर आया हूँ ऐसे कलर की, वो भी अच्छी जैकेट है, देख रहे हो गाइस कपड़ा मेरे। ये तो अभी आधे है, आधे नीचे भरे पड़े हैं और आधे जो धो रखे हैं वो पड़े पड़े सारे, कपड़ा बहुत है मगर अब से ऐसे सर्दी के लिए आ रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, निशी आ जाएगी जब बात करते हैं। जय बाबा गाइस। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा की। डोलो तकड़ा हो रहा गाइस, क्या कर रहा है, जिम विम जा रहा हूँ ना, देख रहे हो सही हो रहा ना गाइस। तो चलो अब कैमरा सेट कर, इस वाले फ़ोन में सेट कर देता हूँ और दूसरे वाले चलाते रहूँगा मैं बैठ कर, और वहीं गिलास विलास रख के फिर मिलते हैं। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी, और ये आई है मुझे छोड़ने कि इनके पेट में बहुत दर्द था, और वो देखो पुशअप मार रही है। नोना बॉडी दिखा सबको, बॉडी दिखा से करिए, बॉडी दिखा। बीमार नहीं होते तुम, क्या चुकी है। निशी गई थी अपने फ्रेंड के वहाँ बेबी शावर में और मुझे जुराब पहना रही है क्योंकि मेरे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं और मेरी तबीयत खराब है, तो आज तय लग गई मैडम सेवा में। जब आपको पता है कल जुराब लेके आए पहनने के मारे ना, तो इनको पहनोगे नहीं ना, मलूक लग रही है।
रात पता गाइस मैं पूरी रात ऐसी घर रहोगे, मैं कुछ ना कुछ खाने को बना के देती रहूंगी, टीवी देखते रहना, मैं कुछ मैं तुमसे लड़ूंगी भी नहीं, पर तुम कहीं जाओगे। अच्छा तुम मानते हो मैं तुमसे लड़ती हूं? नहीं मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं ना, फिर लड़ाई होगी नहीं। आप जब वो कुछ बोलोगे जब भी नहीं होगी बस। ठीक है चलो, अभी सॉक्स उतरना था, ये वाली चप्पल हटा रही हूँ, वो वाली रख रही हूँ, उसमें ये वाली सॉक्स चल जाएंगी जो आपकी वैसे वाली हैं, और अभी उतरनी नहीं चाहिए। ओके मैडम, और मैं ये कपड़े बदल के साफ कर दूंगा। और गाइस यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पेपर है ना। बस बोले हो एक कटोरी कैलॉग्स ले आओ दूध में, है ना, ले आओ गर्म दूध करके ना लेके आओ। इधर कितना, इधर कितना साफ आ रहा है, बिल्कुल उधर लाइट पड़ रही है ना, तो मैं हूँ साफ सुथरी मलूक। कैसी रही पार्टी? अच्छी रही, थोड़ा सा एंजॉय करा, डांस वांस तो कुछ करा ही नहीं क्योंकि मेरे को आने की जल्दी थी, बस थोड़ा सा ये गेम खेल आ गए। चलो ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भैया सो के उठ चुके हैं और मैम साहब कहीं जान न दे रही, कह रही है घर ही रहो। बताओ यार कैसी लुगाई मिली है मुझे, तो घर तक बाहर मैं तो मैं यहाँ धर के चाट रही तो हूँ ना, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी जब तक कहीं नहीं जाना। लगाड़ दे फल। तो गाइस मैं जा रहा जूस पीना, जान ना दे रही मैं भाई, सारे फ्रूट्स पड़े हैं, मैं जूस बना रही हूं ना ताजा। मैं जूस वाला यहां बुला देती हूं, तुम्हें ताजा जूस पीना है ना, मैं जूस वाला यहां बुला देती हूं। मैं भी मम्मी को बोलती हूं हमारी गली में जो आता है वो यहां दे के जाएगा रोज, तो ताजा जूस पिलाऊंगी मैं, घर ही पिलाऊंगी दो जूस में। इधर वो खड़ा होता है जूस वाला, कुछ बाबू बुला रही है उसे, रेडी से निकल के एकदम इसके मुंह में मशीन चलानी है, ताजा इसके मुंह में गिरे, ताजा जूस पीऊंगा मैं। कहीं ना जाओगी रेटल, कहीं ना जाओगी, अंदर लौटो, कमरा सही कर रही हूँ, टीवी देखो अपना, फोन चलाओ, वही खाने को मिलता रहेगा। अरे थोड़ा घूमना फिरना भी, पेट से भी तो ठीक हो। धूप में इतने में घूमो ना, इतना बड़ा घर बनवाया, मलमारी बनवाया, घूमो घूमो खूब घूमो, बाहर तो नहीं जाना कहीं, और ना उसका भी ना। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में भाई, घर पड़े पड़े। तो गाइस भैया बैठ बैठ के हैं मूवी देखना है, और अपना डाइट को सामान कमजोरी नहीं आनी चाहिए सदरी में भाई साहब, क्योंकि जिम जरूर मारनी है, अनार है, अमरूद है, और मैम साहब कह रही है घर ही बैठो मूवी लगा देती हूँ, मूवी चल रही है साउथ की। तो गाइस अपने घर ही आज के बैठ के अपना मूवी देख रहे हैं और अपनी डाइट पूरी फॉलो कर रहे हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना कर रहा हो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताओ कि अगला व्लॉग कैसा बनावा, मतलब कि कौन सा प्रैंक करे। तो चलो मिलते हैं, तो जय बाबा की।